तो जो 24 का चुनाव पूरा है वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा क्या? नहीं जी, राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। पब्लिक अपना दिमाग सेट कर चुकी है किसको वोट देना है। राम मंदिर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर को हटा दो पिक्चर से, फिर देखो। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। जो मेरी सोच है, मेरे ऊपर, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरे ऊपर राम मंदिर बनने का कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है मेरे पे। मेरे पे जो प्रभाव है मोदी का है। मेरे लिए मोदी बेटा प्रभाव तो इसलिए है ना कि उसके कामों का प्रभाव है आपके ऊपर। कामों का प्रभाव है, राम मंदिर भी आता है। नहीं, जरूरी नहीं है। और भी बहुत सारे काम हैं। और बहुत सारे काम क्या हैं भाई साहब? और बहुत सारे काम ये हैं कि सबसे पहले मैं सुरक्षित हूँ। वरना पहले 2014 पहले अखबार उठाते थे, गुवाहाटी में बम फट गया, अहमदाबाद में बम फट गया, कानपुर में बम फट गया, वाराणसी में बम फट गया, बम्बई में बम फट गया। एक दिन में 9 रेलों में बम फटे बम्बई में। 26/11 का हमला हो गया बम्बई में। ठीक, मैं उन सबसे सुरक्षित हूँ। अब मेरे देश में कोई बम नहीं फट रहा। अरे एक मिनट भाई, एक बीच में मत बोल भाई, समझे जी? इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। पूरे देश से हटा के उन्होंने एक दो जिले कश्मीर के रह गए जहाँ आतंकवाद रह गया है, वहाँ भी निपटा देगा वो, क्योंकि सेना को छूट है। पहले सेना को छूट ही नहीं थी, आतंकवादी हाथ में मार के चले गए, गोली नहीं मारनी सेना को, सेना के हाथ बंधे हुए थे। अब सेना को छूट है, आतंकवादी आया, भून दो। ये सबसे बड़ी, उनको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश का युवा जो है ना, 7.5 से लेकर 8 घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं वो। 2019 में भी राहुल गांधी ने बोला था युवा मोदी को ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन के बाद मोदी को डंडों से मारेंगे। और मोदी जी ने कहा था मैं सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ मजबूत कर लेता हूँ। क्या प्रभाव हुआ उसका? ऐसे ही इसका अब होना है। अब इन्होंने मोदी को पुनौती बोला, पुनौती चुनौती बन के सामने आ गया। 3 राज्यों में, लोकसभा में भी ऐसे चुनौती बनेगा। ये जितना मोदी को गाली देंगे, मोदी से अपना फोकस हटा दे विपक्ष वाले, अपने काम पे फोकस कर ले, आगे बढ़ना शुरू होंगे। इनका सवेरे उठने ही काम है मोदी को गाली देनी है, पिछड़ रहे हैं। राहुल गांधी केजरीवाल हो गए, उधर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, युवा चेहरे हैं सारे के सारे, इनको मौका मिल जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसा है कि अब तो मोदी जी की उम्र भी हो रही है। जी उम्र हो रही है, 75 के बाद मेरे को लगता है वो अपना आप छोड़ देंगे। जहाँ तक उनका व्यक्तित्व है, मैं पक्का नहीं कहूँगा, मुझे क्या पता उनके अंदर क्या है। जो उनका व्यक्तित्व है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि 75 के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं रहनी चाहिए, मगर ऐसा हो सकता है कि चाटुकारों से कहलवा दें, नहीं नहीं मोदी जी आप ही बने रहो, कहेंगे नहीं मोदी जी कहलवा दें, नेता हैं, नहीं मोदी जी आप, जैसे राहुल जी पीछे 2 बार अध्यक्ष बने, अरे नहीं नहीं चमचे नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस्तीफा दें, अध्यक्ष बने रहे, ये सब कहलवाया जाता है, सबको समझ आए। लाल कृष्ण अडवाणी और जोशी मनोहर को राम मंदिर ना आने का जो है सो निवेदन किया गया है कि आप ना आइए यहाँ पर, क्योंकि आप आपकी उम्र हो चुकी है। जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, उनको ही ना आने का आप आग्रह कर रहे हैं? केवल 22 दिसंबर के लिए मना की होगी, मेरे पास ये जानकारी अभी नहीं है। 22 दिसंबर के लिए मना की होगी, 22 जनवरी के लिए। हाँ, 22 जनवरी के लिए, उसके बाद तो सबके लिए खुला है, मेरे लिए भी खुला है। आपके क्या दिक्कत है? घर पर भी बैठे हुए हैं। इतने गहराई तक मैं नहीं सोचूंगा कि उन्होंने क्यों मना किया है, कई कारण हो सकते हैं। आना चाहिए ना वहाँ पर, कई कारण हो सकते हैं। कारण क्या होना है बताइए मुझे, मैं कुछ कह सकता। आपको क्या लगता है अगर मना किया गया तो? वैसे भी कोई बात ही नहीं है, कुछ सुरक्षा के कारण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है। सुरक्षा क्या कारण हो सकते हैं? जब मोदी जी वहाँ जाएंगे तो सुरक्षा क्या हो सकती है? कई कारण हो सकते हैं, इस विषय में मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उनको क्यों रोका गया है, क्योंकि अभी मैंने एक खबर सुनी भी नहीं और पढ़ी भी नहीं।